And Johar. Welcome, Karan. Thank you guys. Photo ops ka mauka yakeenan mila. I request you to please be seated. Thank you, Karan. And now, इनको गानों की लत तो हम सबको लगी हुई है. इनको सुन के आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और ये जब गाती हैं तो बेशर्मी की हाइट हो जाती है. मैं बात कर रहा हूं द यंग एंड टैलेंटेड शालमली कोलगड़े का. एंड प्लीज आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि शालमली इंडिया के बहुत ही फेमस अकपेला ग्रुप की मेंबर है. तो प्लीज वेलकम शालमली कोलगड़े. वेलकम शालमली. हमारे अगले जज हैं इंडिया के रैप किंग, जो किसी भी डीजे वाले बाबू से गाना बजवा सकते हैं. वो जहां जाते हैं वहां पे पार्टी शुरू हो जाती है. हफ्ते में चार शनिवार होते हैं इनके लिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ आइकन. जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ही इज वन ऑफ द जजेस ऑफ दिल है हिंदुस्तानी. आज की जनरेशन इन्हें अपना आइडल मानती है और मेरा मानना है कि जनरेशन की ओरिजिनैलिटी जज करने के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम बादशाह. I like the swag. Welcome, Bacha. And our fourth judge. इन्हें कोई तारीफ या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. 65 films, 650 songs, one of the topmost composer, singer, the most popular face on Indian television as a judge and a mentor, presenting the man who's rocking the music charts this year with Fan Sultan and Befikre. Ladies and gentlemen, please welcome Shekhar Ravjiani. Welcome, Shekhar. और अब मौका सभी को मिलेगा. May I request you, we will take a photo up a little later once we're done with the Q&A. Request you please be seated. और अब मैं स्टेज आई मैं मीडिया से दरख्वास्त है. थैंक यू. मेरी दरख्वास्त गई पानी में. थैंक यू सगळ्यांना चांस मिळणार. थैंक यू. और अब स्टेज पर बुलाते हैं उनको जिन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री को लगातार एक के बाद एक हिट रियलिटी शोज दिए हैं, जो दिल है हिंदुस्तानी को कंसीव करके डेवलप करके करोड़ों लोगों के ड्रॉइंग रूम्स तक ले जा रहे हैं. जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस शो के क्रिएटर. प्लीज वेलकम रंजीत ठाकुर ऑफ फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी. Welcome, Ranjit. And now, the floor is open for Q&A. पर उससे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, request you to ask the questions related to the show only, which is Dil Hai Hindustani. A humble request, and इसे मैं मुंबई वाली लैंग्वेज में कहता हूँ कि प्लीज माझी एक रिक्वेस्ट है कि प्रश्न फक्त दिल है हिंदुस्तानी बद्दलच ठेवा. थैंक यू. द फ्लोर इज ओपन फॉर Q&A. You've got the mic? Yeah. Thank you. If you have any questions, please raise your hand. Identify yourself with the publication that you belong to. Hello, Mr. Bashar. Hello, Mr. Bashar. This is Dharampal from Tribune Chandigarh. Yeah. Bashar ji, you are debating on television for the first time. How do you feel? Check. Haan ji, sir, please.
बादशाह जी, यू आर डिबेटिंग ऑन टेलीविजन एज अ जज. हाँ जी. हाउ डू यू फील आफ्टर बीइंग अ जज ऑन दिस शो? सर, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इतने बड़े शो पे जज होना. और ये कैसा करूँ, मतलब कैसा करने वाला हूँ मैं लोगों को जज, ये तो आप लोग ही बताएंगे. बट बहुत मज़ा आने वाला है. और आई थिंक इन सब में से मुझे इम्प्रेस करना बहुत आसान है, तो मेरी तरफ से सारे नंबर लेके जाएंगे मुझे लगता है. तो यही होने वाला है. If any questions, please raise your hand. Our volunteers will help you with the mic. Hi, Karan. Hello. Hi, everybody. जानना चाहूँगा करण, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज, I'm रवि फ्रॉम ABP News. आपने बहुत सारे रियलिटी शोज जज किए हैं, कॉफी विद करण भी कर रहे हैं. इस तरह का सिंगिंग रियलिटी शो है वो आपके लिए शायद नया है. सिंगिंग स्टाइल अलग होगा, तो क्या पैरामीटर्स होंगे? सारे जजेस से भी सवाल है कि क्या पैरामीटर्स होंगे और कितना एडिशनल प्रेशर है इस तरह की सिंगिंग को जज करने का, क्योंकि एक यूनिक स्टाइल में एक यूनिक स्टाइल है इस सिंगिंग रियलिटी शो का. देखिए, ये जैसे कि आपने कहा, ये पहला सिंगिंग शो है जो मैं जज कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गा नहीं सकता, तो मेरी सिंगिंग की नॉलेज तो बहुत बड़ी ज़ीरो है. लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की काफ़ी समझ है, फिल्म म्यूज़िक की बहुत समझ है. और जब से मैंने होश संभाला है मैं ये संगीत सुनते आ रहा हूँ. तो आई थिंक जज करना, ऑफकोर्स जो ये सारे माहिर कंपोजर्स हैं, गायिकाएं हैं, और बादशाह रैपर है, गा सकते हैं, कंपोज खुद करते हैं, शेखर इज़ अ सिंगर कंपोजर, शालमली इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर. तो ये सारी टेक्निकल जो बारीकियां हैं, टेक्निकलिटीज़, ये ढूंढेंगी. मैं वो पर्सनालिटी एक्स फैक्टर जो स्टार क्वालिटी होती है परफॉर्मेंस में, वो जज डेफिनेटली करूँगा. बेसिकली सारे ये जो देश विदेश से ये टैलेंट आ रहे हैं, एंड मैंने सारा टैलेंट का पूल देखा है, एंड आई हैव टू सी से इट्स द मोस्ट इनक्रेडिबल सिंगिंग टैलेंट दैट आई हैव सीन अक्रॉस एनी प्लेटफॉर्म. अगर आप, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज़ देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिंगिंग और डांसिंग के शोज़ तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविजन पे. लेकिन माय माइंड वाज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठी, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ, जब बाकी जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड है, इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं. और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ लोग ये गाते हैं. उस दिन मैं YouTube में देख रहा था, तो चाइना में बैठे कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कल्होना हो गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वॉज सो मूविंग कि वो उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना, तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है. आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की आई वुड से यही इस शो की फितरत है. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का आई वुड से इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन पे इस किस्म की सिंगिंग शो होगी. तो मैं क्या जज करूँगा, मैं बस इन्जॉय करने वाला हूँ और वो देखने वाला हूँ कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं. टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूँगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा. हमने अपनी तारीफ कर ली. विशाल शालमली बादशाह, आप लोगों के लिए कितना अलग एक्सपीरियंस है इस तरह का सिंगिंग? सर, मेरा नाम शेखर है. सॉरी, आई एम सो सॉरी. थैंक यू सर, थैंक यू. सर, एक बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहना चाहूँगा कि करण ने इतनी अच्छी अच्छी बात कर ली और हमारे बारे में कहा कि हम सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, लेकिन करण जब हमारे स्टूडियो में आते और जब गाने सुनते हैं तो गाने की समझ उनको हमसे ज़्यादा है, एक बात. दूसरी बात, जब से कोई सिंगर गाता है, वो सिंगर की टेक्सचर, वो सिंगर की जो आवाज़ है, जो क्वालिटी है, अगर सिंगर ने सुर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा शार्प गाया हो और थोड़ा अगर बेसुरा गाया हो, तो करण को उनकी भी समझ है. और अच्छे धुन की समझ को करण से ज़्यादा किसी को है ही नहीं मेरे हिसाब से. आई थिंक ही इज़ गॉट द बेस्ट टेस्ट ऑफ म्यूज़िक. दैट्स वाई यू हर्ड द म्यूज़िक ऑफ ऐ दिल है मुश्किल वॉज वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स ऑफ दिस ईयर, द बेस्ट साउंड ट्रैक्स ऑफ दिस ईयर. एंड आई थिंक having a panel like ours, we're going to have a blast. हम लोग देखिए बॉलीवुड म्यूजिक को सेलिब्रेट करने वाले हैं, यू नो, वी गोना हैव अ ब्लास्ट.
देश विदेश से बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, दे ऑल विल कम सिंग आवर सॉन्ग्स. और हमारे देश का ये संगीत है वो विदेशी हमें बताएंगे कि क्या कर सकते हैं उसके साथ. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारा देसी संगीत जो है ना वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट संगीत है. आई टेल यू समथिंग, वी हैव द बेस्ट म्यूजिक ऑन दिस प्लैनेट. एंड वी फॉर ऑफ अस वी आर फ्रेंड्स. यू नो करण इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, बादशाह शालमली रियली क्लोज फ्रेंड्स, एंड वी गोना हैव अ ब्लास्ट ऑन दिस शो. और आपको पता लग जाएगा जब टैलेंट आएगा, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट रियलिटी शोज दिस ईयर ऑन टेलीविजन 100%. Karan, how will you judge, how will you select your Lipika here, Karan? How are you? How will you select a singer and you will know that he is perfectly having a dil of Hindustani, whether it will be on the barometer of having Indian classical knowledge or having Bollywood singing knowledge or having Karan ki filmon ki knowledge, गानों की. एक्चुअली ये प्रोसेस कुछ महीनों से चल रहा है. हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका था जब बहुत सारे हमें यूनिट्स दिखाए गए थे जो ये, और ये सारे बहुत, ये कुछ हिंदुस्तानी, बहुत सारे हिंदुस्तानी कंटेस्टेंट्स भी हैं जो इस देश में से भी आ रहे हैं, कुछ देश के बाहर से आ रहे हैं. लेकिन ये प्रोसेस हमने बहुत पहले शुरू किया था और बहुत सारे हमें दिखाए गए थे, कुछ 100 से भी ज़्यादा, हज़ारों में चले गए थे एक्चुअली. फिर उन्होंने वो प्रोसेस को ज़्यादा छोटा किया, जब हम तक पहुँचा था तो इट वॉज़ ऑलरेडी अ कट डाउन ऑफ ऑल द टैलेंट. और उनमें से चुनना, इट वॉज़ वाकई एन इनडोंटिंग टास्क, जैसे मैं कहूँगा कि इतनी खूबसूरत सिंगिंग थी और इतना ही एंथुजियाज्म दैट आई वॉज, माई माइंड वॉज ब्लोन. यू नो मैं शॉक था. मैंने सोचा जब मुझे ऑफर किया गया था ये शो, कि जैसे मैं देखता हूँ दूसरे रियलिटी शोज़ हैं तो वो सोलो कंटेस्टेंट्स गाते हैं, कभी कभी यू नो कभी कभी कोई और थोड़ी गिमिक्स डाल देते हैं, एक मेंटोर होता है, तीन जजेस होते हैं, ये होता रहता है. एंड आई थिंक इतने सारे हैं तो इट रन्स द रिस्क ऑफ इवन यू नो रीचिंग अ सर्टन फटीक फैक्टर. तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा, बट माई माइंड वॉज ब्लोन व्हेन आई सॉ दैट इस किस्म के ग्रुप परफॉर्मेंसेज होंगे, देश से बाहर आएंगे. तो ऑलरेडी प्रोसेस हमारा जारी था. उन अमेजिंग टैलेंट से हमने कुछ चुने हुए कंटेस्टेंट्स को ऑलरेडी हमने वी हैव कट इट डाउन टू जो बहुत सारे हैं. एंड जैसे कि उस दिन फाइनली जब एक लिस्ट आया था, और कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं. देर आर सम लाइक देर वॉज अ बॉय कॉल अकूस्टिक सिंह, और वो अपने चंडीगढ़ के छत पे बैठे, वो चन्ना मेरे अगर, एंड ही संग इट इन अ मोस्ट फैंटास्टिक वे. एंड आई वॉज शॉक्ड लिटरली द वे ही सैंग इट. और उसने अपनी एक ब्रांड नेम खुद को दे दी है, उसका नाम है अकूस्टिक सिंह, एंड आई हर्ड ही इज ऑलरेडी अ वायरल सेंसेशन. तो ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी वायरल सेंसेशंस बन चुके हैं. लेकिन जब उन्होंने हमारा कॉन्सेप्ट सुना तो आई एम ग्लैड दे चोज आर प्लेटफॉर्म टू कम एंड प्लेटफॉर्म देयर अमेजिंग सिंगिंग. तो आई थिंक यू विल सी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म. इन केस द जजेस डोंट अग्री on selecting one particular person, what will happen? How will you get onto it amicably? Will it be Karan's verdict finally? Not at all. In fact, mine should be the last. I will consult them. Kya hota tha, whenever I used to judge a dancing show also, I used to always ask the prolific dancer on the platform, ki khair mujhe to acha laga, lekin you know, aapko kya laga, haath pair theek hil rahe the ki nahi, mujhe kya pata, meri dancing Punjabi style hoti hai, hum phail jate hai raita ki tarah. तो गानों में भी कभी कभी जब मैं सुनता हूँ गाने, तो मुझे एक समझ है कि कोई यू नो सुर के दायरे के बाहर जा रहा है या कोई अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, पता भी नहीं चलता कि वो भी काफ़ी मेरी तरह बुरा गाते हैं. जैसे शेखर ने कहा, एक मशीन आ चुकी है जो सब जानते हैं, तो सब ट्यून हो जाते हैं उस मशीन पे. तो मैं इतना बुरा गाता हूँ, तो मैंने शेखर से एक दिन रिक्वेस्ट किया कि मैं आके गाना गा लूँ, मुझे भी उस मशीन से ठीक करवा दो. लेकिन 2017 में एक सिंगल रिलीज होने वाला है और करण गाएंगे. हाँ, मैं खुद गाऊँगा और मैं गाने वाला हूँ. हाँ, ये मेरे साथ गाएंगे और मेरी वो जो क्या बोलते हैं उसे, क्या ट्यूनिंग होती है, ऑटो ट्यून. तो मैंने सुना उस ऑटो ट्यून की वजह से कोई भी गा सकता है. लेकिन फाइनल वर्ड जैसे कि आपने पूछा, मेरा नहीं होगा, इन तीनों का होगा. मैं जैसे मैंने कहा, मैं वो जनरली एक्स फैक्टर ढूंढूंगा. ओके करण, सेम हियर. रूना, हाय रूना, हाय, हाउ आर यू? गुड. अच्छा करण, एक बात बताइए, लगता है लोग बहुत आप लोगों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं, कभी कॉफ़ी विद करण के साथ, नए रियलिटी शो के साथ, डांसिंग रियलिटी शो के साथ, झलक के साथ,
इतना सारा प्यार लोग उठा पाएंगे, इतना सारा प्यार को समेट पाएंगे लगता है आपको देखकर? जिंदगी में प्यार की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए, जितना बेशुमार प्यार आपको मिले, मोहब्बत मिले, वो भी हमारे लिए, हमें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए कम होता है, हम बहुत भूखे होते हैं प्यार के लिए, और जितना आप हमें प्यार दें वो हम फिर और ज़्यादा चाहते हैं, वो प्यार की कमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल नहीं होती. सो हाय करण, करण टू यू, या extreme back. Hi. Since as you said that you have got the zero knowledge of music, so how much you will be dependent on your other panelist judges, since they are the professional musicians and singers? Zero knowledge to I don't have, sir. I'll be very dependent on their professional insight. Tino ke tino trained singers hain, composers hain, bahut knowledgeable hain, लेकिन कुछ मैं अभी आई एम 44 ईयर्स ओल्ड, और जब से मैं 4 साल का था तो लिटरली 40 साल से मैं संगीत सुनते आ रहा हूँ, तो मैं खुद गा नहीं सकता, ना कोई सितार बजा सकता हूँ, ना गिटार बजा सकता हूँ, लेकिन इतनी समझ तो है कि जो कोई अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है या गाना अच्छा हो या वो, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे. हाय करण, सना फ्रॉम टेलीजॉकर.com. हाय सना. हाय Karan, firstly a fun question. Since you've always maintained that you can't dance, but we did see you dance in Jhalak, and now that you're saying you can't sing, will we see you singing in the show? Absolutely, I promise you that. And Karan, the question is that we've seen the Jumbo Juts and you spoke about viral sensation. So do you feel the digital world has kind of opened the gates for scouting talent? Completely. It's the new platform. Even the Jumbo Juts are immensely popular, and I know the fan base they've acquired. I'd heard of them even before I knew that they were going to be hosting this show, and I look out. That's what makes you relevant. In this day and age, it's very critical to actually always scout, search, and be aware of what's happening online. You and I live in an isolated world sometimes. We don't realize there's an entire cult following to so much brilliant talent online. And every time I find out who they are, I'm always amazed at the level of talent that exists in our wonderful country. So yes, as you said, a lot of our talent has come from viral sensations. And more power to people who actually just upload their energies online, and then something about them sparks things off. Have you ever looked out for talent? Yes, yeah, I'm always looking for talent. I mean, I don't know if you're aware, I am. I was found on YouTube, and I'm judging a show. So I think. Thank God. Whoever found you, whoever found you, Badshah, God bless them. And Karan, the other question related to this, with Ekta coming with Old Balaji, as a producer, will you be open to more digital content? No, not for the moment. I feel like I don't want to be an early bird or one of the for those. I feel kya ho raha hai digital ke saath, you know, har koi film jo film nahi bana raha to keh rahe abhi digital show bana do, web series bana do, har buri script ko web series bana do. बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पिक्चर नहीं बन सकती तो वेब सीरीज बना दो. डिजिटल एक बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, और मैंने हमेशा कहा है कि यू नो वो बढ़ता बच्चा है, लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाए वो फिल्म को खा सकता है. तो इसीलिए हमें खौफ है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जब वो बड़ा हो जाए और उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी तो मैं चढ़ जाऊंगा. मैं तो चढ़ते सूरज को सलाम. हम सब अपॉर्चुनिटी के भूखे हैं. जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम चले जाएंगे डिजिटल की दुनिया की तरफ. हाय एवरीवन, माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर रंजीत. हेलो, ऑन टू द लेफ्ट. हाँ जी रंजीत जी, आपने ज़्यादातर जो शोज किए हैं ना वो डांस पर आधारित होते हैं सारे, और सिंगिंग का आप का कैसे विचार है आपको? सिंगिंग क्या, सिंगिंग पर दिल है हिंदुस्तानी? एक्चुअली सर, इस देश में सिंगिंग डांसिंग बहुत ही सेलिब्रेटेड चीज़ है, पार्ट ऑफ आर कल्चर ही है. तो अब तक फिलहाल हम डांस शोज कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम सिंगिंग शो भी बना लेंगे. जो जो हमने इसके झलक देखी है ना, रियली वेरी गुड, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट सर. शालमली, या हाय. There are a lot of new sounds and singing styles coming around here. Now, as we saw, the same song can be sung in 3 different ways by 3 different people. So, as a singer, how do you feel, you know, because the rules are clearly, there are no rules now, there is no defined set. So, how do you feel about the current scene of music with so many singing styles happening? I think what's most important
is the fact that you can connect with music. And that's about the only rule as such that there could be when it comes to music. तो अगर आप जो गा रहे हैं या बजा रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं आप अगर कनेक्ट कर सकते हैं उसके साथ यू मेड इट क्योंकि म्यूजिक इज द ओनली मीडियम नॉट द ओनली मीडियम बट वन ऑफ दोज मीडियम्स दैट कैन मूव यू लाइक अ फिल्म मूव्स यू लाइक एन एक्टर मूव्स यू अ वॉइस कैन मूव यू आम्रपाली था उनका नाम जो अभी गा रही थी वो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया बादशाह और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्या आवाज़ है captivating voice and I feel like agar rule ho to wo ek rule hai connect jo connect ho music ke sath and otherwise reinventing is the only way forward when you evolve with something agar ye gana aap sunte hain aur usko lekar aap usme apni jaan dalte hain then you're making something out of that song more out of that song that's you in that song and I'm always for the evolution of music or interpretation of music. Karan, hi, straight here. Hi. On television, you have proved that you're a multitasker by judging a dance show, then India's Got Talent, and now a singing show. Would there be any other reality format that you would like to try, anything that is left for you? I don't think there's anything left. singing, dancing, general talent, which gets covered, and also talking on a talk show. I think उसके अलावा अगर कोई Star Plus की और कोई ideas हो, तो I'm very open. क्योंकि क्या हो गया कि मैं ज़्यादातर अभी television की personality बन चुका हूँ. Filmें just are seeming to be an incidental part of my personality. जहाँ मैं जाता हूँ, तो लोग मुझे talent shows और talk shows के बारे में ज़्यादा पूछते हैं. It's very embarrassing. कभी-कभी बोलना पड़ता है कि मैं निर्माता निर्देशक भी हूँ. मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है फ्राइडे को, उसके बारे में अगर आप बात करें तो बेहतर होगा. हमेशा ये पूछते रहते हैं, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू, आई एम अ बिग फैन, माय डॉटर लव्स योर शो, आई एम लाइक डिड शी लाइक माय मूवी. इट्स अ सेकंड क्वेश्चन. टेलीविजन की इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है और आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एज कम्पेयर टू मे बी लाइक लिटरली 3% ऑफ आर कंट्री वॉच फिल्म, बट अबाउट 25-30% ऑफ आर कंट्री वॉच टेलीविजन. So the it's 9 times more impactful. तो मैं बहुत हमेशा मैं जो कहता हूँ कि मेरी जो decision थी to be on national television has only helped my brand as a filmmaker. तो मैं television का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा इन सबसे कहता हूँ कि जितने ज़्यादा shows आएँ और अगर credible platforms जैसे Star Plus जैसा credible platform है हमेशा करना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा, कोई और अगर platform पे मुझे invitation मिले तो मैं चला जाऊँगा. मैं ना नहीं कहता television को कभी. Will that take a back seat for you as a director, considering now you would be busy with the show? No, I never take. In fact, I have solemnly resolved that I will be back on sets next year, towards the end of the year, as a filmmaker again. Because I have to say that while my heart is in television, but my soul lies in film. Lastly, your show Coffee with Karan has, you know, been giving a lot of entertainment to not only the media, the audience, but also to the industry people. They often find themselves in a spot, considering the kind of revelations that a celebrity makes on the show. One has often, Varun also said recently that, you know, the show shouldn't be taken so seriously. So whatever revelations have been made by the celebrities on the show, are you also surprised with that, or you also take it as a joke? In fact, they're speaking much lesser this season, my dear, because they're so aware that there is some digital.com daunting on top of their heads to literally upload exactly and hang on every word that they say, that I find that this particular season, they're all coming more guarded because everything they say becomes a headline sometimes, and that's great for the show, but it may not be always great for them. I think they're coming more guarded, and the show is a fun, irreverent, casual watch. It's not meant to be taken seriously. I mean, of course, everything you do should be taken seriously, but like every word should not be like, you know, overanalyzed. Sometimes the tone of it is like a text message. जब मैं आपको text message भेजता हूँ, it could sound irreverent, rude, or perhaps dismissive, but actually I haven't meant it because it's come with a certain tone. तो ऐसे ही होता है. Interpretation कभी-कभी, you know, लोग गलत मान लेते हैं कुछ चीजें को, and I don't think anyone is sitting on that couch to offend anyone else. It's just sometimes a matter of their opinion. I apologize to intervene. Excuse me. You had mentioned.
I apologize to intervene, but that's last question. Yeah. Last season when Salman came on your show for the first time, you said you were a little shocked and surprised with the kind of comments that he made on the show, the things that he said on the show, and while you were also a bit nervous to interview him. Now he's coming for the second season this time. How was it for you? Were you nervous to ask him questions? I was most excited because Salman came for the 100th episode of Coffee with Karan. It was the coffee century, and him and his brothers Sohail and Arbaz came and honored the show, and I was exceptionally excited to have them. It was an amazing episode. I mean, you watch it on Sunday, but we should make this more about Dil Hindustani now. Hi, Shekhar. शेखर इसमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं तो यहाँ पे सिंगर्स के लिए अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखना कितना मुश्किल होगा या आपके लिए कितना मुश्किल दिख रहा है इन सब के लिए क्योंकि सब तो वही गाने गा रहे हैं जो लेजेंड्स ने गाए हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर अच्छा जो भी वीडियोज़ मैंने अब तक देखे हैं दे आर ब्रिंगिंग देयर ओन स्टाइल टू इट और मुझे मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मज़ा अलग आता है And I think हमने बहुत सारे shows में देखा है कि कोई main जो playback singer होता है उसको लोग copy करते हैं लेकिन जब अपनी आवाज़ में गाते हैं तब वो इंसान discover होता है जब तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है तो I think that's the most important thing कि ये platform को हम एक नया talent दे सकें एक performer दे सकें और इस industry को बहुत सारे नए नए artists दे सकें And that's what we're looking for. We're looking for someone who entertains us. Aur jab hum char saath mein ho, to I think we'll have a decision to find the best talent in this country. Thank you so much for your questions and wishing you all the very best, all the judges for the new show, Dil Hindustani on Star Plus. But before we call it a wrap, I request Ranjit to please say a few words on Dil Hindustani. I think everything has been said on Dil Hindustani. Very proud and happy to be associated with this four judges, fantastic judges. And the concept of Dil Hindustani is about discovering how and what can appeal to the ears when people sing with the same confidence and same amount of love for the country. So once you've realized that, you will know that this is one of the most beautiful shows that's ever been conceived by Star Plus. And that's all. Thank you so much. Thank you and wishing you all the best. Request for a photo op, please, for the media. Thank you. For sure. May I request the volunteers to please move the chairs? Thank you. Let's also bring in the Jumbo Jats. Thank you so much. Thank you to the friends from media. Aapne apni headlines taiyar ki hogi. Thank you once again and join us for cocktail and dinner. And as we say, the night is young, so are we. Enjoy yourself and thank you. Hold up!
मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने. एक टैलेंट परेड था स्कूल में, मैं 8 साल का था, तो पता नहीं मेरे माइंड में सुर और ताल की बहुत समझ थी, तो मेरे मन में धुन परफेक्टली बजता था. तो मेरी माँ ने कहा कि यू नो डू व्हाटएवर, कुछ और कहो, एलोक्यूशन, कुछ स्पीच बनाओ, पोएम रिसाइट करो, कुछ और करो, गाओ मत. शी वॉज बीइंग पोलाइट. फिर भी मैंने सोचा मैं अंग्रेजी गाना गाऊँगा, और मैंने इतना बेसुरा गाया कि हाफ वे थ्रू दे हैड टू आस्क मी टू लीव. तब मुझे बात मेरे जहन में चली गई कि मुझे बिल्कुल गाना नहीं चाहिए, और मैं गानों को समझ सकता हूँ, म्यूजिक को जानता हूँ, इनकी इतनी जानकारी है, बस गा नहीं सकता. करण, किस सिंगर के आप कायल हैं? अगर कभी जहन में हो कि मुझे गाना सुनना है तो किसके गाने आप सुनते हैं? माय फेवरेट सिंगर इज मोहम्मद रफ़ी. मोहम्मद रफ़ी के सारे गाने मुझे बहुत बेहद खूबसूरत लगते हैं. जो इन गानों में जो दर्द है और मिठास है और रोमांस है, किशोर दा, आशा जी. लेकिन सबसे मेरा फेवरेट गाना लता जी की रेंडिशन है, लग जा गले. जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को कुछ हो जाता है. वाकई आई मीन वो दैट्स माय गो टू सॉन्ग. चाहे मैं खुश हूँ या किसी सी दर्द से गुजर रहा हूँ, लग जा गले इज माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एवर. पिछले 2-3 दिन जो थे वो काफ़ी बिजी थे आपके लिए. कल मनीष की पार्टी थी, उससे पहले आप दिल्ली में थे, फिर अवार्ड्स थे. आई मैनेज जब घर पे कोई जब देर इज़ नो वाइफ एट होम, देर नो किड्स एट होम, तो वो 8 घंटे ज़्यादा फ्री में मिल जाते हैं. फिर तब बहुत करने को, बहुत चीज़ें करने का वक्त मिल जाता है. देखिए मुझे ना ही कंटेस्टेंट्स को जज करना है, मैं उनको भी जजेस को भी जज करूँगा कि वो क्या कह रहे. तो मेरा बहुत बहुत मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बादशाह इतने माहिर रैपर कंपोज़र हैं, शेखर इतने आउटस्टैंडिंग कंपोजर है, शालमनी सच अ ब्यूटीफुल सिंगर, तो उनकी इतनी सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगी, तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समेटना और एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. एंड आई एम एक्साइटेड टू टेक ऑन दैट जॉब. अरे मैं क्या प्रिपरेशन करूँगा जजिंग की, हो तो मैं कुछ 6 साल से करते आ रहा हूँ. मैं अभी जजिंग का PhD कर सकता हूँ मैं. आई थिंक मुझे मिल सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज का जज का कोई अवार्ड हो, तो आई थिंक आई कैन गेट दैट. सॉरी, यस. Let's keep it to the show. I hope that people will sing songs from the past, because I believe the 40s onwards, right up to the 70s, the music was phenomenal. Madan Mohan, S.D. Barman, R.D. Barman, Shankar Jaikishan. ऐसे अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर्स रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक आज भी हम उन मेलोडीज के साथ कंपीट कर सकते हैं. तो आई होप ऑल द कंटेस्टेंट्स हमें थोड़ा मेमोरी लेन में ले जाएं और उन गानों को रिप्रेजेंट करें. आई विश एंड होप एंड प्रे दैट दे प्ले द सॉन्ग्स फ्रॉम द पास्ट. वुड आई लाइक टू रिक्रिएट. मैं काफ़ी गानों को फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ. आई थिंक ऑलरेडी मैं कोई रिक्रिएशन का मास्टर बन चुका हूँ, तो आई थिंक और करूँगा तो दिल रियली अब्यूज मी. आई शुड कंट्रोल दैट. थोड़े ओरिजिनल मेलोडीज आ जाने चाहिए अभी. देखिए हम क्या हैं, हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा शो ही नंबर 1 शो होने वाला है, और हम अपनी शो की ही तारीफ करेंगे. तो ये तो गलत सवाल कर लिया आपने. हम जानते हैं कि हमारे शो में बहुत ढेर सारा टैलेंट है, अमेजिंग एनर्जी है, जजेस की पूरी अमेजिंग टीम बन चुकी है, कॉन्सेप्ट फैंटास्टिक है, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है, देश विदेश से टैलेंट आ रहा है जिसका दिल हिंदुस्तानी है. तो हमसे पूछोगे तो कहोगे कि वी विल हैव द बेस्ट सिंगिंग शो एंड प्लीज वॉच ओनली आवर शो.